गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज 16 अप्रैल और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। आरबीएससी 12वीं की परीक्षा समाप्त, 370 डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड के आवेदन अभी तक नहीं शुरू। 2 साल से प्री डीएलएड परीक्षा समय पर नहीं होने के कारण डीएलएड का सेशन प्रभावित हुआ। डीएलएड करने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकते हैं आप। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की महिला मित्र के घर से एसओजी ने 19.50 लाख रुपए बरामद किए। कार्रवाई, एसओजी ने बग्गड़ थाना इलाके के बामरवासी गांव में की जांच। घर के बाहर खेत में मटके में दबाकर रखे थे रुपये। 6 अप्रैल को ही ओडिशा से पकड़ा गया था शेर सिंह, छिपने के लिए बदला भेस। नेक्स्ट है, किताबों के दाम पिछले साल की तुलना में इस सत्र में 500 से 1100 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। थर्ड ग्रेड डिग्री टार्चर, 5 साल से तबादले नहीं। 2 साल पहले 85,000 शिक्षकों व टीएसपी क्षेत्र के 2500 टीचर्स से आवेदन लिए, किया कुछ नहीं। अभी फाइल डीओपी में अटकी, ट्रांसफ़र की मंजूरी के लिए एक से दूसरे हाथ घूम रही है। अब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। 2.5 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षकों में सरकार के प्रति रोष, 5 साल से तबादले ही नहीं, शिक्षक संघ ने ठोकी ताल। डीओ की ट्रांसफर पॉलिसी, पहले एपीओ कर मुख्यालय पर लगाया, कुछ दिन बाद घर के पास स्कूल में किया पदस्थापन। अग्निवीर भर्ती परीक्षा, परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा करवाएगा जेएनयू, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम मई में आने की संभावना। सीएचएसएल एग्जाम 26 जून को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। अनुपर्ति योजना आवेदन 20 तक। आधे स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं, 1 साल में करीब 12,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके उदयपुर। प्राइमरी व मिडिल के 84,000 स्टूडेंट्स को वार्षिक परीक्षा के साथ देना होगा आरकेएसएमबी के एग्जाम। परीक्षा से 15 मिनट पहले पेपर वायरल, अब पुलिस करेगी लीक होने की पुष्टि। राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा का पेपर को लेकर बड़ी खबर। आरपीएससी, 10 साल से आरएस भर्तियों में विलंब, लंबी प्रक्रिया व विवाद बढ़ा रहे इंतजार। रिट के बाद लाइब्रेरी में पसरा अंधियारा। 1 दशक के से गृह जिलों में जाने की बाढ़ जो रही, टीएसपी व डार्क जोन के शिक्षकों की भी नहीं हुई मुराद पूरी। स्थानांतरण नीति बनने और लागू होने के भंवर में फंसे प्रदेश के 2.5 लाख शिक्षक। रिट भर्ती से पूर्व तबादले शुरू हों। जेई प्रवेश परीक्षा, फिजिक्स के सवाल फार्मूला आधारित रहे। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। निजी स्कूलों को मात देता गडाना खुर्द का सरकारी स्कूल, यहाँ की एसडीएमसी पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ। संभाग स्तरीय मेला 20-21 अप्रैल को होगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अजमेर मेगा जॉब फेयर आयोजन किया जा रहा है। तुम तो पेपर पढ़ो, कहाँ से आया क्या मतलब, इसी तरह सभी पेपर आ जाएंगे। 5 साल बाद बंदी उम्मीद फार्मूला तय, परीक्षा समाप्ति के बाद होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले। रिट मेंस का रिजल्ट 1 अप्रैल तक आने की उम्मीद। इंडियन आर्मी में निकली एक और भर्ती, 18 अप्रैल से करें आवेदन। इरकॉन इंटरनेशनल में इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती। NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 325 पदों पर भर्ती। रेल इंडिया में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर के 54 पदों पर होगी भर्तियां। ट्रेजरी ऑफिसर व सहायक ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती।
28 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का अच्छा सा सुविचार। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।